हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है क्रिश और आप देख रहे हो टेकमेंटिक चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल 14 सीरीज के न्यू रूमर्स के बारे में। मिंग ची कुओ, जो कि एक एप्पल एनालिस्ट है, उन्होंने आईफोन सीरीज के कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग लीक्स रिवील किया है। तो चलिए देखते हैं आईफोन 14 सीरीज के न्यू रूमर्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलता है। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुओ के रिसेंट पोस्ट से ये पता चला है कि आईफोन 14 सीरीज में हमें आईफोन 14 मिनी देखने को नहीं मिलेगा, पर इस लाइनअप में एप्पल चार फोन को फीचर करने वाला है, जो कि है आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। और पोस्ट से ये भी पता चला है कि एप्पल के न्यू A16 चिप की अपग्रेड हमें बस प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिलेगा। और एप्पल एनालिस्ट कुओ की खास बात यह है कि इनकी ज़्यादातर प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होती है, पर ये तो समय ही बताएगा कि इस बार वो सही है या गलत। तो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 5.4 इंच वाली आईफोन मिनी मॉडल, जो कि एप्पल आईफोन 12 और आईफोन 13 लाइनअप की पार्ट थी, उसे आईफोन 14 की लाइनअप से हटा दिया गया है। तो इससे आईफोन 14 सीरीज में अब आईफोन 14 सबसे यंगेस्ट फोन होगा। इसमें 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, इंक्लूडिंग अदर मॉडल्स आईफोन 14 मैक्स में 6.7 इंच की डिस्प्ले होगी और आईफोन 14 प्रो में हमें 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलेगी और आईफोन 14 प्रो मैक्स में 6.7 इंच की ओलेड डिस्प्ले लगी होगी और दोनों ही प्रो मॉडल्स में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले पैनल लगाई जाएगी। और रूमर्स के हिसाब से iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में हमें Apple की न्यू A16 Bionic चिप देखने को मिलेगा और नॉन प्रो मॉडल्स में iPhone 14 और iPhone 14 Max में हमें वही लास्ट ईयर की A15 Bionic चिप ही देखने को मिलेगा, जो कि iPhone 13 के लाइनअप में भी लगाई गई है। लेकिन A15 अभी भी एक हाई परफॉर्मिंग चिपसेट है, जो कि ऑलमोस्ट क्वालकॉम की न्यू फ्लैगशिप चिप स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के बराबर टक्कर देती है परफॉर्मेंस के मामले में। और चारों आईफोन मॉडल्स में iOS 16 की ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा और चारों आईफोन मॉडल्स में हमें 6GB की रैम देखने को मिलेगा, लेकिन अलग अलग जनरेशन की रैम लगी होगी। आईफोन 14 और आईफोन 14 मैक्स में ओल्ड जनरेशन LPDDR4X मेमोरी लगाई जाएगी और वहीं आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स में न्यू LPDDR5 की मेमोरी लगाई जाएगी। इन कंपैरिजन आईफोन 13 सीरीज की आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 में 4GB की LPDDR4X मेमोरी लगाई गई है और आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स में भी LPDDR4X मेमोरी लगाई गई है, पर इसमें 6GB रैम लगी है और वही LPDDR4X रैम हमें आईफोन 14 की नॉन प्रो मॉडल्स में भी देखने को मिलेगा। पर रिसेंट रिपोर्ट में आईफोन 14 प्रो मॉडल में 8GB की रैम लगाई जाएगी, जो कि Google Pixel 6 सीरीज और Samsung के Galaxy S20 सीरीज के सिमिलर होगी और साथ ही प्रो मॉडल्स में हमें ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शन भी अवेलेबल किया जाएगा। और रूमर से ये भी पता लगा है कि आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स में हमें न्यू पिल पंच होल डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रंट कैमरा पंच होल में होगा और फेस आईडी को छोटी सी पिल शेप नोच में पैक किया जाएगा, मगर नॉन प्रो आईफोन 14 मॉडल में वही पुराना फ्लैट मेटल रेल नोच देखने को मिलेगा। और आईफोन 14 प्रो मॉडल्स में हमें अपग्रेडेड रेयर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें कि न्यू 48MP की मेन कैमरा लगाई जाएगी और इस प्रो मॉडल में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और ये उम्मीद है कि एप्पल अपने आईफोन 14 लाइनअप को सितंबर के मंथ में लॉन्च कर सकता है और प्राइस के बारे में अभी कोई भी लीक्स नहीं आया है। तो बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय।